topic is Faraday's experiment. In Faraday's experiment, we have total 3 experiments. Let us see that. Experiment 1 is current induced due to magnet. So here we have a coil which is connected with a galvanometer and bar magnet, right? जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि north end is facing towards the coil, clear? Suppose अगर हम इस bar magnet को north end को coil की तरफ ले जाते हैं, तब क्या होगा? यहां पे करंट इंड्यूस होगा. क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच इज एनक्लोज्ड बाय द कॉइल इज चेंज. वी ऑलरेडी नो व्हेन द फ्लक्स इज चेंजेस करंट इज इंड्यूस्ड एंड दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्लियर? सो बाय इंड्यूसिंग करंट व्हाट हैपेंड? गैल्वेनोमीटर शोस डिफ्लेक्शन. ऑन द अदर साइड वी ऑब्जर्व दैट when this bar magnet is moving away from the coil, that time again the EMF is induced, means current is produced, but the deflection of galvanometer is on the opposite direction. Matlab when the it is opposite to the first case, previous one, jab hum north pole ko coil ki taraf le ja rahe the, तब जो डिफ्लेक्शन दिखा था उससे अपोजिट डिफ्लेक्शन हमें दिखेगा जब हम नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर ले जाएंगे. क्लियर? सो दिस इज व्हाट एक्सपेरिमेंट 1. इसमें हमें पता चल रहा है दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, व्हिच मींस इनके मोशन, ये बार मैग्नेट जो कॉइल की तरफ मूव कर रहा है या फिर हम कॉइल को बार मैग्नेट की तरफ मूव करें, विच मीन्स रिलेटिव मोशन. एक्सपेरिमेंट 2, करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू अनदर कॉइल करंट. नाउ हियर वी कैन सी दैट वी हैव टू कॉइल्स. कॉइल C1 इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर G एंड कॉइल C2 इज कनेक्टेड विद कॉन्स्टेंट सप्लाई which provide constant current in a circuit. Clear? Now we find that when coil C2 is move, this C2 is move towards the coil C1, the galvanometer shows sudden deflection. This indicates that the electric current in the induced coil C1, matlab C1 में जैसे ही हम C2 को C1 की तरफ मूव करेंगे तो यहां पर डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. यहां पर करंट का सप्लाई कांस्टेंट है. हमने क्या किया इस अरेंजमेंट में? हमने कॉइल और मैग्नेट लिया था. यहां पर हमने दो कॉइल ही लिए हैं और सिर्फ एक जगह इलेक्ट्रिक करंट पास किया है. हम जानते हैं व्हेन एवर करंट पासिस फ्रॉम एनी कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड ए, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल C2 विल पासिस फ्रॉम कॉइल C1, विच मीन्स जब हम C2 को C1 की तरफ ले जाते हैं तो C1 में से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज हो जाती है. इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो जाता है. वेन एवर फ्लक्स चेंजेस वी नो दैट EMF और करंट इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट. So galvanometer shows deflection. So again, this is an induction by relative motion, which is called relative motion between the two coils. Now we have third experiment. This is third experiment. Current induced by changing current. Now here we are not supposed to move coils. We are going to change only the current of one
circuit, right? And by that we produce a current on the second circuit. आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा होगा? सिंपल सी बात है, जब हम स्विच को ऑन करेंगे मतलब स्विच के को प्रेस करेंगे तब करंट इस सर्किट में से पास होगा, वो करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा कॉइल C2 में, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस C1 में से पास होगी, ठीक है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तुरंत मिलने से यहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा, पर वो डिफ्लेक्शन ज्यादा समय तक के लिए नहीं होगा। अगर स्विच प्रेस रखेंगे ज्यादा समय के लिए तो गैल्वेनोमीटर अगेन जीरो पर आ जाएगा। अगर हमें डिफ्लेक्शन चाहिए तो हमें बार बार प्रेस करना पड़ेगा की को, तो की को बार बार प्रेस करने से क्या होगा, सप्लाई बार बार सर्किट में ऑन ऑफ होगा, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस C2 में से प्रोड्यूस होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस C1 में से भी पास होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होते जाएंगे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होते जाएंगी विच इज कॉल्ड चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड वी नो दैट वेन एवर अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैपन दैर इज अ इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।